दोस्तों, सन 1826 में एक साइंटिस्ट जिनका नाम डॉक्टर जॉर्ज साइमंस ओम्स था, उन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया जो कंडक्टर के एक्रॉस वोल्टेज तथा धारा के बीच संबंध दर्शाता है। दोस्तों, यह नियम उन्हीं के नाम पर ओम का नियम कहलाया। निम्न प्रकार है: स्थिर भौतिक अवस्थाएं ताप या दाब पर किसी चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। अब यदि चालक के सिरों पर जो विभवांतर है वो वी वोल्ट हो और चालक में प्रवाहित धारा आई एम्पियर हो, तो हम ओम के नियमानुसार इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। ओम के नियमानुसार वी प्रोपोर्शनल आई, तो प्रोपोर्शनल की जगह आर आ गया, तो वी बराबर आर गुणा आई। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा वी बराबर आर आई। जहाँ दोस्तों वी वोल्टेज और आर हमारा रेजिस्टेंस और आई को धारा से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, इस सूत्र के अनुसार हम ओम के नियम को तीन प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे अगर हमें करंट निकालना है तो I बराबर हो गया V अपॉन R। अगर दोस्तों हमें प्रतिरोध का मान निकालना है तो इसकी वैल्यू हो गई V अपॉन I। अगर दोस्तों हमें वोल्टेज निकालना है तो इसका मान हो गया V बराबर IR। इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से ओम के नियम में हमें ये तीन फॉर्मूले प्राप्त होते हैं। ओम के नियम का प्रयोग सरल वैद्युत प्रपथों में के विश्लेषण में होता है, अर्थात वैद्युत प्रपथ में धारा या वोल्टता या प्रतिरोध का मान ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। आइए दोस्तों, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों, नीचे एक चित्र प्रदर्शित है जिसमें हमारा एक बैटरी 12 वोल्ट लगाई गई है और इसमें लैंप जिसका रेजिस्टेंस 3 ओम है लगाया गया है। इसमें हमें करंट का मान निकालना है। तो दोस्तों, इसमें हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा I बराबर V बट्टे R फॉर्मूला होता है, तो दोस्तों हम इसमें इस फॉर्मूले में इसका मान रखते हैं और इसकी वैल्यू निकालते हैं। दोस्तों, जैसे V की वैल्यू हो गई हमारी 12 और R की हो गई 3, तो दोस्तों I बराबर 12/3 बराबर 4 एम्पियर, यानी हमने 12 में 3 का भाग दिया तो जो वैल्यू आई वो आई हमारी 4। तो इस तरह हमने आई का मान निकाल लिया है जो हमारा 4 एम्पियर है। इस तरह दोस्तों हम ये फॉर्मूले लगाकर अपने सर्किट का वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे वो करंट का निकालना हो, चाहे वो वोल्टेज हो, चाहे रेजिस्टेंस हो। इस फॉर्मूले को पुटअप कीजिए और कोई भी वैल्यू निकालिए। तो दोस्तों, मैं अब समझता हूँ कि आपको ये वीडियो के द्वारा ओम के नियम के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए तथा लाइक व करना ना भूलें।